नमस्कार, सलाम, आदाब, स्वागत सभी का। कुछ और अपडेट सूचनाओं के साथ आपके समक्ष इस वीडियो में करेंगे आपसे बातचीत अगले 5 से 7 मिनटों में। और आपके पास कुछ सवाल हो, डाउट हो, शंका हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और वीडियो में बात होने वाली है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के PhD के एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं पिछले 1.5 महीने से, और उसी सिलसिले में एक और नोटिफिकेशन आया है 15 नवम्बर को वेबसाइट पर, लेकिन डेट है 14 नवम्बर। यानी कि विश्वविद्यालय कह रहा है कि 14 नवंबर को नोटिफिकेशन आया है, लेकिन हम सभी को और खासकर यूट्यूबर्स को तो मालूम चल ही जाता होगा नोटिफिकेशन 15 नवंबर को आया है और लगभग 3 बजे के बाद आया है दोपहर में। तो जो भी हो उसके बारे में आपसे बातचीत करनी है, और साथ ही साथ में 6 नए डिपार्टमेंट का PhD में सिलेक्ट होने वाले बच्चों को लेकर सूचनाएं आई हैं। अभी तक लगभग 3 वीडियो में बना चुका हूं, और 3 वीडियो में लगभग 20 डिपार्टमेंट की सूचनाएं आपको मिल चुकी हैं। ये चौथा वीडियो है, 6 डिपार्टमेंट और हो गए 26। एक वीडियो और बनेगा क्योंकि एक नोटिफिकेशन और आएगा 5वीं अलॉटमेंट का, ठीक है। तो चौथा ही नोटिफिकेशन है, और पूर्व के सभी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। अब चलते हैं नोटिफिकेशन पे। डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं उसको सुन लीजिए, और बीच बीच में कुछ जरूरी बातें आपको बतानी है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, और करेंगे तो नुकसान को भुगत लीजिएगा। पहला डिपार्टमेंट है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी, दूसरा है बायोकेमिस्ट्री, तीसरा है एजुकेशन, चौथा है इंग्लिश, पांचवा लॉ, और छठा मेरा फेवरेट पॉलिटिकल साइंस। वैसे लॉ से कमतर नहीं है पॉलिटिकल। तो इन 4 डिपार्टमेंट के शेड्यूल आए हैं, और खासकर रैंक भी आई है कि किस रैंक के बच्चे, क्योंकि पहली जरूरी बात, आप लोगों के दिमाग में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि हमारा रैंक कितना होने पर हमको एडमिशन मिल जाएगा या हमको फीस सबमिट करनी, क्योंकि फीस रिफंडेबल नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कैटेगरी और ओपन रैंक को, और कोई डाउट हो तो पूछिएगा ज़रूर, लेकिन पहले वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको जो करना हो वो करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी में यदि आपका रैंक 1 से लेकर 9 के बीच में है, यदि आपका रैंक 1 से लेकर 9 के बीच में है और आपका ओपन यानी कि जनरल कैटेगरी है, तो फीस को सबमिट कर दीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट क्या है और कब फीस जमा करेंगे उसकी जानकारी पीछे मिलेगी आपको। यदि आप EWS कैटेगरी में हैं और आपका रैंक 10 है, यदि आप EWS कैटेगरी में और आपका रैंक 10 है, तो फीस को सबमिट कर दीजिएगा, आपका भी एडमिशन हो जाएगा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी वाले सब्जेक्ट में। यदि आपका रैंक OBC में है, रैंक आपका 16 से 30 के बीच में है, याद रखिएगा 16 से 30 के बीच में, 16 से लेकर 30, 31 नहीं होना चाहिए, 15 नहीं होना चाहिए, 16 से 30 के बीच में है, OBC कैटेगरी है, तो आप भी फीस सबमिट कर सकते हैं या कर सकती है मेरी जो भी बहनें होंगी। यदि आप SC कैटेगरी में हैं तो आपकी रैंक 31 से लेकर 48 यानी कि 31 to 48 के बीच में है, तो आप फीस को सबमिट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी के सब्जेक्ट के विषय में कैटेगरी वाइज ओपन रैंक का। अब आते हैं बायोकेमिस्ट्री, 1 से लेकर 5 नंबर का रैंक ओपन कैटेगरी, OBC के लिए रैंक नंबर 6 और SC के लिए रैंक नंबर 8। 8 to 8 नहीं है, ओनली 8 है SC में, ओनली 6 है OBC में, और जनरल में 1 to 5 है डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में। एजुकेशन में चलते हैं, सबसे उलझा हुआ डिपार्टमेंट हिंदी के बाद का, या कहें कि बहुत ज़्यादा सवाल भी इसी डिपार्टमेंट से बच्चों का, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों को जब ये एडमिशन दिया गया है ना, 2 एक्स्ट्रा कैटेगरी आपको मिलेंगी इसमें। अब पता नहीं ये पैदा हो गई या नॉर्म्स में थी या ऑर्डिनेंस में थी या विश्वविद्यालय की अपनी कोई निजी पॉलिसी है, क्योंकि स्टेट विश्वविद्यालय हो सकता है, हो भी सकती है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो सूचनाएं आई हैं आपको बताना हमारा काम है। यदि आपका रैंक 1 से लेकर 68 के बीच में है और आप जनरल कैटेगरी में यानी कि ओपन कैटेगरी में है, तो आपका एडमिशन हो चुका है, फीस को सबमिट कर दीजिएगा, पहला। दूसरी चीज, यदि आप ओपन में DP कैटेगरी में है, ओपन है, जनरल है, लेकिन DP कैटेगरी, DP क्या है मुझे नहीं मालूम, DP में है और आपका रैंक यदि 83 से लेकर 203 है, तो यहां से सुनिएगा, यदि आपका रैंक 83 से लेकर 203 के बीच में है और DP कैटेगरी में है, तो आप फीस को सबमिट कर सकते हैं। और वैसा ये जो नंबर आपको बड़ा लग रहा होगा 83 से 203, केवल 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ इस नंबर के बीच में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि आप ओपन कैटेगरी में हैं और आप यदि EWS भी हैं, ओपन है, EWS में है, एजुकेशन में, आपका रैंक यदि 81 से लेकर 220 है, यानी कि 81 से लेकर
220 के बीच में यदि आपका रैंक है और EWS कैटेगरी में है ओपन में, तो आप भी फीस को सबमिट कर सकते हैं। यदि आप ओपन है लेकिन PH कैटेगरी में है, जनरल है और PH कैटेगरी में, और आपका रैंक यदि 181 से लेकर 186 है, 181 to 186, तो आप फीस को सबमिट कर सकते हैं और ये 6 बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। इसके बाद है OBC कैटेगरी। यदि आप OBC कैटेगरी में हैं और आपका रैंक यदि 70 से लेकर 200 के बीच में है, यदि आपका रैंक 70 से लेकर 200 के बीच में है, तो आप भी फीस को सबमिट कर सकते हैं और लगभग 103 बच्चों का सिलेक्शन इसमें दिखा रहा है नंबर वाइज, ठीक है ना। यदि आप OBC हैं और PH भी हैं, OBC हैं और PH भी हैं, और आपका रैंक यदि 255 से लेकर 264 के बीच में है, तो आप भी फीस को सबमिट कर सकते हैं। टोटल 15 बच्चों का एडमिशन हुआ है इसमें। यदि आप SC कैटेगरी में हैं और आपका रैंक 74 से लेकर 283 के बीच में है, तो आप फीस को सबमिट कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन SC कैटेगरी, इंग्लिश डिपार्टमेंट, ओपन कैटेगरी 1 से लेकर 74, 72 है, ठीक है ना। EWS कैटेगरी ओपन में 83 से लेकर 109 के बच्चे भी फीस को सबमिट कर सकते हैं। OBC कैटेगरी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में यदि आपका रैंक 73 से लेकर 133 के बीच में है, तो फीस को सबमिट करिएगा। और SC कैटेगरी वाले से सुनिएगा, 84 से लेकर 134 रैंक रखा गया है। लॉ डिपार्टमेंट के बच्चे भी सुनेंगे ध्यान से, लंबी सर्विस कैटेगरी है, बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। 1 से लेकर 24 यदि आपका रैंक है ओपन कैटेगरी में, तो फीस को सबमिट करिएगा। ओपन कैटेगरी में यदि आप DP के अंतर्गत आते हैं, तो आपका रैंक यदि 120 है, तो फीस को सबमिट करिएगा। यदि आप ओपन कैटेगरी में EWS के अंतर्गत आते हैं और आपका रैंक यदि 26 से लेकर 67 के बीच में है, एक मिनट, यदि आप यदि आप ओपन कैटेगरी में EWS में हैं और लॉ डिपार्टमेंट में आपका रैंक यदि 26 से लेकर 67 के बीच में है, तो फीस को सबमिट कर सकते हैं। आप PH कैटेगरी में है, पानी का लोटा है, पानी पी लें, क्षमा करिएगा। लॉ डिपार्टमेंट में या PH कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है और आपका रैंक 35 है, फीस को सबमिट करिएगा। और बहुत बहुत बधाई है इस विद्यार्थी को, किनका, क्योंकि एक ही विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है PH कैटेगरी में। लॉ डिपार्टमेंट में OBC कैटेगरी में यदि आपका रैंक 27 से लेकर 65 के बीच में है, तो आपका सिलेक्शन हो चुका है, फीस को सबमिट करिएगा। SC कैटेगरी में आपका रैंक यदि 29 से लेकर 143 के बीच में है, यानी कि 29 to 143 के बीच में आपका रैंक है, तो यू आर ऑलरेडी रजिस्टर इन PhD, फीस सबमिट। ST कैटेगरी में यदि आपका रैंक 294 है, 294 है, तो फीस को सबमिट कर सकते हैं। 2 बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं। लास्ट डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और बहुत ज़रूरत में भी है और डिमांड भी है पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में ओपन कैटेगरी में 1 से लेकर 20 के बच्चों को सबमिट करनी है फीस। ओपन कैटेगरी में DP में आपका नाम यदि आया है, DP क्या है मुझे मालूम नहीं, मैंने बताया, ठीक है, हो सकता है कुछ पता नहीं क्या है, DP में आपका नाम आया है और रैंक यदि 41 है, तो फीस को सबमिट करिएगा। EWS कैटेगरी में पॉलिटिकल साइंस में 25 to 49, 25 से लेकर 49 के बीच में। OBC कैटेगरी में 21 से लेकर 67 के बीच में, यानी कि 21 से लेकर 67। बहुत से बच्चों को 67, 77, 87 का फर्क नहीं पता है और कई बच्चों को 59, 69 का फर्क भी नहीं पता, इसलिए इंग्लिश में भी बोलना पड़ता है, ठीक है। तो OBC कैटेगरी पॉलिटिकल साइंस 21 to 67। SC कैटेगरी में आपका रैंक यदि 35 से लेकर 109 के बीच में है, तो आप फीस को सबमिट कर सकते हैं। ये रैंक मैंने आपको बताई है, इसको समझने में सुनने में तकलीफ हुई हो तो कमेंट करके पूछिएगा। अगली बात, जो फीस सबमिट करने का लिंक मैं आपको दूंगा, लिंक तो सही है लेकिन हो सकता है वर्क ना करे, तो घबराइएगा मत, क्योंकि मैंने कहा ना कि 14 नवंबर का नोटिफिकेशन 15 नवंबर को दिया गया है, तो हो सकता है जो लिंक वेबसाइट पर आया हो वो 24 या 48 घंटे के बाद ओपन हो या वर्क करना शुरू करे, तो घबराइएगा तो मत, पहली चीज, ठीक है। और जब फीस सबमिट करने का लिंक ओपन हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा ताकि और बच्चों को भी जानकारी मिल जाए। तीसरा, फीस 10,000 से 11,000 के बीच में है, ठीक है, कैटेगरी वाइज हो सकता है फीस कम हो, वो मुझको जानकारी नहीं है, ठीक है। अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट साथ में रखिएगा,
हो सकता है आपको अपलोड करने के लिए कहा जाए। रिजल्ट की कॉपी साथ में रखिएगा और जो रिजल्ट ये आया है इसको संभाल कर रखिएगा। और एक ज़रूरी बात, एक कॉमन सवाल आया था कि हमारा रैंक तो टॉप 10 में आया है, टॉप 15 में आया है, टॉप 13 में आया है, तो क्या हमको कॉलेज कैंपस के अंदर का मिलेगा या कैंपस के बाहर का मिलेगा? तो मेरी सलाह और सुझाव दोनों हैं आपको, आपको कॉलेज चाहे कैंपस के अंदर का मिले, चाहे कैंपस की मेन फैकल्टी मिले या कैंपस के बाहर कोई अफिलेटेड कॉलेज मिले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी पीएचडी पर, पीएचडी की वैल्यू पर और पीएचडी की सुविधाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन बातों को जहन में बैठा लीजिएगा, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। ऐसा मत करिएगा कि आपकी रैंक अच्छी है, आप चाहते हैं कैंपस का आपको मिल जाए लेकिन आपको कोई कॉलेज मिले और आप एडमिशन ना लें। ये गलती करेंगे तो दोबारा से आपका एडमिशन नहीं होगा यूनिवर्सिटी में और ना ही आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आएगा। इन बातों का ख्याल रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल आया बच्चों का, देखिए यदि आपने वीडियो को स्किप करके देखा होगा ना तो सवाल करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। और यदि सवाल बीच में से करेंगे तो कोशिश करके पहले वीडियो देखिएगा फिर सवाल को करिएगा। एक सवाल आया कि क्या कोई सेकेंड लिस्ट भी आएगी जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, कोई वेटिंग लिस्ट भी आएगी? 100% नहीं, 200% आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक नहीं, दो या तीन आएंगी, और उस लिस्ट में हो सकता है 5 बच्चों का नाम आ जाए, हो सकता है 25 बच्चों का नाम आ जाए। और ये लिस्ट जब ही आएगी, क्योंकि अभी सभी डिपार्टमेंट का रिजल्ट तो नहीं आया है, आप भी जानते हैं इसको अच्छे से, क्योंकि लगभग अभी 7-8 डिपार्टमेंट पेंडिंग में है, उनका भी जब रिजल्ट आ जाएगा और वो बच्चे जब फीस को सबमिट कर देंगे, लगभग ये सब प्रोसेस चलेगा 30 नवंबर तक, तो 30 नवंबर के बाद ही वेटिंग लिस्ट आना प्रारंभ होगा, याद रखिएगा। और वेटिंग लिस्ट में मैं कि 5 बच्चों का नाम भी आ सकता है, 25 बच्चों का नाम भी आ सकता है, और उन बच्चों का एडमिशन के लिए तब टाइम मिलेगा, फीस को सबमिट करनी है। और यदि उन वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों में से कोई बच्चा एडमिशन की फीस सबमिट नहीं कर पाया समय पर, उसके बाद भी एक और वेटिंग लिस्ट निकाली, क्योंकि लास्ट ईयर भी 2 से 3 वेटिंग लिस्ट पे एडमिशन दिया गया था, तो इस बार भी संभावना है, तो 100% बन रही है, 3 ना सही, 1 से 2 तो 100% वेटिंग लिस्ट आएगी। बेफिक्र रहिएगा चीज़ को लेकर, और जैसे ही सूचना आएगी आपको मैं भी बता दूंगा। लेकिन अगर मैं 1% नहीं बता पाया तो जहां ये रिजल्ट शो होता है ना सारा, जहां पीडीएफ फाइल के लिंक मिलते हैं आपको, उसी पोर्टल पर वहीं पर ये लिंक आपको मिलेंगे, और पीडीएफ वेटिंग वाली लिस्ट भी वहीं पर आएगी। ध्यान रखिएगा, फीस सबमिट करने का लिंक मैं आपको दे दूंगा, जनरेट जो फीस का लिंक है, हो सकता है वर्क ना करे, 24 घंटे के बाद ही वर्क करे, तो पैनिक मत होइए, घबराइएगा मत, इसका ध्यान रखिएगा और अपने अनुभव बताइएगा। और आपका चयन किस डिपार्टमेंट में हुआ है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पीएचडी के नए रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं यूजीसी ने 11 से लेकर 14 नवंबर के बीच में, उसकी भी आपसे बातचीत करनी है आज या कल के लाइव में, उसकी बात करेंगे। और आप जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है ना पीएचडी में, आप सभी पर ये नए नॉर्म्स लागू होंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जिन भी बच्चों का एडमिशन 22 और 23 के सेशन में हुआ है, सभी पर पीएचडी के नए नॉर्म्स लागू होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। नए नॉर्म्स की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में या लाइव में। आपके पास कोई सवाल है, कुछ सुझाव है, कुछ जानकारी है तो ज़रूर बताइएगा। आपका कोई सवाल है, आपके किसी मित्र का, किसी पेरेंट्स का सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। और कोई सलाह है आपकी तो ज़रूर दीजिएगा, बहुत हिलता ज़्यादा हूँ ना मैं, उसको सुधार करने का प्रयास करूँगा। और उम्मीद करता हूँ आपके परिवार के सदस्य, आपके शिक्षक सभी अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। 15 नवंबर है, बस 15 नवंबर है और कुछ बड़ा दिन नहीं है, ठीक है। चलिए, सलाम।